हाँ बताओ कितनी वाह बर्फ यार, पड़ी है, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा, मैं सोच भी नहीं सकता ही कि कितना मजा आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमित सिंह बिष्ट है। अच्छा कहाँ से हो तुम? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अब बर्फ में उठा के दिखाओ, बर्फ कितनी लेवल की बर्फ पड़ी हुई है। मजा आ रहा है पूरा? पूरा मजा आ रहा है सर। अच्छा और बताओ, मेरे पर मत डाल यार, अंदर से। ये तो खाली मजे के लिए है सर। ये खाली मजे के लिए ना? ऊपर से आ गया है क्या? हाँ। या भी जाना है ऊपर? अभी और जाना है। चल चलते हैं। नहीं, नहीं। मुझे नीचे जाना। जाओ फिर नीचे, बाय बाय। ये देखा किस लेवल का, ये पूरे पूरे बर्फ लदे पड़े हैं, पहाड़ सब कुछ अलग लेवल का है। मज़ा आ रहा है, ये पाँव पूरे स्किट हो रहे हैं। तो बाइक मैं इसलिए भी नहीं लेके गया कि यार फालतू में क्यों तंग होना, जब ज़्यादा बाइक स्किट करे, स्किट कर गई तो इस पे चलेगी भी नहीं, वो बार बार गिरेगी बाइक, पहिया घूमेगा, तो उससे मतलब नहीं है। इसलिए जितना हो सके ट्रैक करके चलते हैं, या फिर किसी को हाई चेकिंग, वैसे लोकल गाड़ी तो आ नहीं रही, पर ये टैक्सी वगैरह वाले ही जा रहे हैं। देखना यार, पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है और अलग ही लेवल का एडवेंचर है यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है। सुनी बात तो बहुत रूई जैसी बर्फ लग रही है, अलग ही लेवल का एडवेंचर है। लेकिन जो ये जूते हैं, जो मैंने शूज़ पहने, उनमें अच्छी ग्रिप बन रही है। मुझे लग रहा सब शायद मुझे 15 से 20 मिनट। हाँ बताओ कितनी बर्फ पड़ी है। कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा, मैं सोच भी नहीं सकता ही कि कितना मजा आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमित सिंह बिष्ट है। अच्छा कहाँ से हो तुम? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अब बर्फ में उठा के दिखाओ, बर्फ कितनी लेवल की बर्फ पड़ी हुई है। मजा आ रहा है पूरा? पूरा मजा आ रहा है सर। अच्छा और बताओ, मेरे पर मत डाल यार, अंदर से। ये तो खाली मजे के लिए है सर। ये खाली मजे के लिए ना? ऊपर से आ गया है क्या? हाँ। या भी जाना है ऊपर? अभी और जाना है। चल चलते हैं। नहीं मुझे नीचे जाना। जाओ फिर नीचे, बाय बाय। एक बच्चे ने यार साला डाल दिया, ये देखना यार। मवेशी भी घूम रहे हैं यहाँ पे, ये देखना यार, एक अलग ही लेवल। माता में अलग ही है, पर जो यहाँ से है क्या रास्ता जाने के ऊपर? कभी गिर जाए तो फिर देखते हैं, फिर नहीं पाँव पीड़ी है यार। तो एक शॉर्टकट रास्ता लिया हमने अभी जाने का, भैया शॉर्टकट है क्या ये? Thank you.
अरे भाई शॉर्टकट है ना यार, ये शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट है ना, ये रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन 3 घंटे से पहले नहीं पहुंच जाएगा। अच्छा जी, जो गांड फोड़ ये इधर से शॉर्टकट है क्या यार, ये शॉर्टकट रास्ता है क्या, है ना? ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ से जाने में? लग जाएगा आधा पौन घंटा। अच्छा, अरे यार रोड बाय रोड लंबा बैठा कर, 5 मिनट इधर से निकल जाते हैं ना। टैक्सी चल रही है क्या? अरे टैक्सी है क्या ये? टैक्सी वाला था क्या ये? तो शॉर्टकट से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 या 1.5 किलोमीटर अभी हमें 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा जिससे हम ओली पहुंच जाएंगे। तो यार देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। हमेशा ही जब ऊपर बर्फ़ पड़ रही है ना, अच्छे वाला स्नोफॉल हो रहा है, तो जोशीमठ में ही अपनी गाड़ी पार्क करें, वहाँ से 1000 रुपये की टिकट लें और उससे आए, रोप वे से आए, एकदम बेस्ट। ना कोई टेंशनबाजी रहेगी, ना कोई कोई लेना देना रहेगा, वरना अगर आप गाड़ी से आओगे तो गाड़ी आपको नीचे ही 2 या 3 किलोमीटर दूर ही पार करनी पड़ेगी, फिर आप वहाँ से पैदल आओगे तो वो आपको टफ पड़ेगा। और आकर आप टैक्सी वालों से बोलोगे कि हमें छोड़ दो, तो वो भी तुमसे कम से कम 1000 रुपये पर पर्सन, मैं बोल रहा हूँ 1000 रुपये, लेकिन अगर आप नेगोशिएबल करोगे तो वो 500-600 रुपये में मान जाएंगे, लेकिन वो वर्थ नहीं है यार, वो रिस्क भी रहता है उसके अंदर। तो ट्रॉली प्रेफर करना, वो भी जोशीमठ वाली, चेयर वाली मत यूज़ करना। ये सब लोग इधर से आ रहे हैं, पूरा बर्फ़ में ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और शूज़ लेके आना यार ऐसे वाले, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है जिससे आपको फिस लेना। आप मेरी सांसों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, कितना सांस चढ़ रहा है, तो सोच समझ के आना यार, देख के आना अच्छे से सब चीज़ें, नॉलेज वगैरह कलेक्ट करके ही आना, वरना बाद में प्रॉब्लम हो, घूमना सजा बन जाए, वो काम मत करना, वरना पूरे ट्रिप की तुम्हारे ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाड़ी में बच्चों को भी साथ में लाते हैं, उस केस में तो यार बहुत ही ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। तो भाई मेरी मानोगे तो सुख रहोगे, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों लोगों तक भी। जा
खड़ा हो जल्दी जल्दी खड़ा हो जल्दी आप ये साहब वीडियो नहीं सर प्लीज गाइस। तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ और भाई मैं ट्रैक करके आया था, ये देखो यार मतलब अलग ही लेवल का है ऊपर भी एडवेंचर। आओ यार, लेकिन ट्रैक करके आओगे तो थोड़ा यार शूज़ वगैरह की ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो एकदम से नीचे है। और यार एक बात बताऊँ मैं आपको, ओली सच में ही बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब सच में ही मिनी स्विट्ज़रलैंड है, इट्स रियल, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, ये देखो ना। तो लेकिन आना पूरा पानी वगैरह लेके आना अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करोगे, और सिप सिप करके पीना, क्योंकि यार यहाँ के ना सांस फूलता है और एक अलग लेवल का ही एडवेंचर आपको मिलेगा ओली के अंदर, जो आपको मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। क्योंकि पता है यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे जो ज़मीन है ना वो एकदम समतल है ऊपर जाके, तो स्की वगैरह बढ़िया से होती है यहाँ पे, इसलिए और देखने में भी वो बहुत अच्छा लगता है मेरी। तो दोस्तों अभी मैं अपनी बाइक के पास जाके बनाऊंगा वीडियो, बाइक देखते हैं कैसे लेके जाऊंगा मैं नीचे। चलो थैंक यू। तो थोड़ा सा ये ट्रैकिंग का है रहता है, तो मुझे लगा यार इतना अच्छे व्यू है तो इनको मैं मिस नहीं कर सकता, तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाने चाहिए यार। दिस इज़ अ रो एक्सपीरियंस, इसको रो एक्सपीरियंस बोलते हैं यार, अगर आप रोप वे से जा रहे हो तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस ही है, और ऐसे जा रहे हो तो ये तो एकदम अलग ही है। कश्मीर बना हुआ है यार एकदम, मतलब क्या ही कहें, आई एम स्पीचलेस, रियली वेरी स्पीचलेस यार। कुदरत है, करिश्मा है, तो एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है। गिर गया भाई, एक मिनट। तो मिट्टी चट गई थी यार मुझे भी, मिट्टी बर्फ में एक बात है, लेकिन बर्फ में मैंने ये नोट किया है कि बर्फ में अगर गिर जाए ना तो चोट नहीं लगती, ये है थोड़ा सा। अब देखना, अब नीचे से बिल्कुल ही समतल है, बिल्कुल आराम आराम से धीरे 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 चलेंगे हम। वो तो मेरे शूज अच्छे हैं यार, उनकी जो ग्रिप अच्छी है। तो मैं सैटरडे को रुकता हूँ, और इधर देखो ना आप, पूरी गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। तो ये देख, बंदे अपनी गाड़ियाँ पार कर करके ही, चाबी है ना है। You're so nice.